नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। फ्रांस में पैगंबर मोहम्मद के विवादित कार्टून दिखाए जाने के बाद एक टीचर की हत्या की गई तो फ्रांस की सरकार ने इसे इस्लामिक आतंकवाद बता दिया। गुस्से में इस्लामिक चरमपंथियों ने नीस में निर्दोष नागरिकों की चाकू मारकर हत्या कर दी। इस हमले के कुछ ही दिन बाद फ्रांस के पड़ोसी देश ऑस्ट्रिया में भी बंदूकधारियों ने जमकर तांडव मचाया और अंधाधुंध फायरिंग में 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इस वारदात के बाद ऑस्ट्रिया की सरकार ने भी अब इस्लामिक कट्टरपंथियों पर लगाम लगाने के लिए सख्त फैसला लिया है। दरअसल बीते सोमवार को ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 6 अलग अलग स्थानों पर भीषण गोलीबारी हुई थी। आतंकियों ने सड़कों पर खुलेआम लोगों को निशाना बनाया था। इन हमलों में 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 13 लोग घायल हो गए थे। इन आतंकवादी हमलों को 20 साल के मैकडोनियन कुजितिम फेजुलई ने अंजाम दिया था, जिन्हें बाद में पुलिस ने मार गिराया था। इस आतंकी वारदात से गुस्साई ऑस्ट्रिया की सरकार ने अब फैसला लिया है कि तत्काल प्रभाव से सभी कट्टरपंथी मस्जिदों को बंद किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वियना में हुए हमले के बाद सरकार 2 मस्जिदों पर तत्काल प्रभाव से पाबंदी लगाने की तैयारी कर रही है। सरकार को इस बात का संदेह है कि फेजुलई को कट्टरपंथी बनाने में संस्थाओं की भूमिका अहम रही है। ये 2 मस्जिद ओट्टाक्रिंग शहर के मिलिट इब्राहिम और दूसरी मेडिन क्षेत्र की तेवहिद मस्जिद है। जांच के दौरान ये बात भी सामने आई कि आतंकवादियों का इन 2 मस्जिदों में आना जाना अक्सर लगा रहता था। जांच में ये भी सामने आया है कि इन 2 मस्जिदों में से सिर्फ एक ही आधिकारिक रूप से पंजीकृत मस्जिद है और दूसरी का पंजीकरण बतौर इस्लामी एसोसिएशन हुआ है। इस मुद्दे पर ऑस्ट्रिया के आंतरिक मंत्री कार्ल नेमेहर ने भी जानकारी साझा की है। उन्होंने कहा, हम उन हिंसक अपराधियों का सामना कर रहे हैं जो बेहद गहन रूप से राजनीतिक इस्लाम के तंत्र से जुड़े हुए हैं और विचारधारा की आड़ में आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं। इससे पहले गुरुवार को ऑस्ट्रिया के चांसलर सेबेस्टियन कुर्ज ने चेतावनी दी थी कि राजनीतिक इस्लाम यूरोप की जीवन शैली के लिए बड़ा खतरा बन गया है। कुर्ज ने यूरोपीय यूनियन से अपील की कि वियना आतंकी हमले से सबक लेते हुए अपने सहिष्णुता की गलतफहमी को खत्म कर लें। उन्होंने यूरोपीय देशों से भी आह्वान किया था कि राजनीतिक इस्लाम की समस्या से कड़ाई से निपटने पर फोकस करें। ऑस्ट्रिया पर हुए हमले से फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का भी गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि फ्रांस के अलावा ये एक दोस्ताना देश है, ये हमारा यूरोप है। हमारे दुश्मनों को पता होना चाहिए कि वो किसके साथ ऐसा काम कर रहे हैं। हम हार मानने वाले नहीं हैं।